फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्शनल एकेडमी। माय नेम इज अभिज्ञान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रिलेशन फंक्शन के 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस, आज हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक फंक्शनोलॉजी। सो लेट अस सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस 3, बी इज इक्वल टू आर माइनस 1, लेट एफ मैप्स टू ए टू बी, be defined by एक function दिया हुआ है हमें x-2 by x-3 such that x belongs to a। so हमें क्या show करना है, that f is bijective, hence find f inverse of x। चलिए friends इसका solution देख लेते हैं। so what is given in this question, f of x is equal to x-2 upon x-3। So to show f is 1 to 1, what we can say, f of x1 is equal to f of x2. Then what if we'll put this in the given equation, what it will happen then, x1 minus 2 upon x1 minus 3, the same equation we will put x2 minus 2 upon x2 minus 3. So let us solve it. We will get x1 minus 2 x2 minus 3, just cross multiply it, x1 minus 3 x2 minus 2, multiply the brackets, x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus of 2x1 minus of 3x2 plus 6, or we can write it as -3x1 -2x2 is equal to -2x1 -3x2। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -x1 = -x2, और वी कैन राइट इट एज x1 = x2। देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट f इज 1 to 1 फंक्शन। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट हम ऑन टू देख लेते हैं इसका। सो फॉर ऑन टू शो दैट f इज ऑन टू, लेट it is our second part for on to, let y belongs to b, or we can say y is equal to f of x. F of x kya hai hamara friends, it's x minus 2 upon x minus 3, or y of x minus 3 jab hum cross multiply karenge is equal to x minus 2। So xy minus 3y is equal to x minus 2, xy minus of x is equal to 3y minus 2। जब इससे x कॉमन ले लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, y minus 1 is equal to 3y minus 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y minus 2 upon y minus 1 belongs to b for r minus of 1। So what we can say, for every value of y except y minus y is equal to 1, there is a, we can see that there is a pre-image which is x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1, x belongs to a, therefore what we can say, f is, just because its pre-image is available, we can say f is onto function। Okay friends, so ये हमारा 1 to 1 और onto दोनों हैं। so पहला पार्ट क्या था, bijective है कि नहीं प्रूव करना है, so ये प्रूव हो जाता है। second पार्ट में हमें पूछा है find the inverse, so हम यहाँ देख सकते हैं since f is 1 to 1 and on 2, therefore we can say f is invertible। so हमारा f inverse x क्या हो जाएगा, f inverse of x will be, it is another part,
एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में हमारे वाई की जगह एक्स हो जाएगा, 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लेट एफ w मैप्स टू w दैट सोल नंबर बी डिफाइंड एज, एक फंक्शन दिया हुआ है n प्लस 1 इफ n इज इवन सो दैट f इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f वेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर। चलिए फ्रेंड्स का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें हमें तीन चीजें करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो ऑन टू ऑन प्रूफ करना पड़ेगा, देन ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, एंड थर्ड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द f इनवर्स ऑफ x। सो सबसे पहले देख लेते हैं वन टू वन। सो लेट x एंड y बिलोंग्स टू w दैट इज होल नंबर, इफ x एंड y बोथ आर इवन। पहली कंडीशन देख लेते हैं, f of x is equal to f of y। इसमें हमें लास्ट में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम ये प्रूफ कर सकें दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू। सो वट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन और x इज इक्वल टू y। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, इफ x एंड y बोथ आर ऑड। जब ऑड है हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। कंडीशन क्या है हमारी, x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, दिस कंडीशंस। Okay, so here also we'll get x is equal to y। उसी तरीके से थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, if x is odd and y is even तब क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं उस केस में जब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, x will not equal to y and x minus 1 is even and y plus 1 will be odd। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, x is not equal to y और fx not equal to fy। So from these three points, this one and this one, what we can conclude? We can conclude that fx is equal to fy if and only if x1 is equal to x2। जब fx fy कब होगा, जब हमारा x1 is equal to x2 होगा। So what we can say, f is 1 to 1। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर है। अब सेकंड देख लेते हैं इसका ऑन टू है कि नहीं। So to prove ऑन टू, let y belongs to w and y is even, then kya ho jayega, then y plus 1 will be odd and it will belong to f। जैसे कि हम कंडीशन में देख सकते हैं y plus 1 odd की कंडीशन थी, y plus 1 हमें क्या मिल जाएगा y। For every y belongs to w which is even, there exists a pre-image। क्या pre-image है इसकी, y plus 1, okay, which is odd and y plus 1 belongs to w। उसी तरीके से फ्रेंड्स देख लेते हैं कंडीशन 2 क्या होगी इसमें हमारी, when y belongs to w, ये हमारी पहली कंडीशन थी for on to। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, y is odd, इसमें क्या था हमारा y is even, इसमें है y is odd, then y minus 1 will be is even from the question and y minus 1 belongs to w। और क्या लिख सकते हैं हम इसे, f, जैसे कि हमने f y plus 1 किया था वैसे f y minus 1 will be equal to y minus 1
प्लस वन, ये कंडीशन हमारी दी हुई है, तो हमारा आंसर सेम आएगा y. So what we can say, for every y belongs to w which is odd, there exists a pre-image. कौन सा pre-image है? उसमें हमारा y plus 1 था first condition में, इसमें हमारा है y minus 1 which belongs to w or which is even. So for all y belongs to w, there exists a pre-image in whole number. So इसका pre-image है, so we can say, so f is on to. So हम ये भी देख सकते हैं, f is 1 to 1 and on to, so it is invertible, जो कि हमारा पहला पार्ट था प्रूफ करने का, invertible answer for this first part. अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, f inverse of x कैसे निकलेगा. To find f inverse of x, so y is equal to x minus 1, कब, if x is odd and y is even. Okay, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y plus 1 is equal to x. So x is equal to y plus 1, तो so, f inverse x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x plus 1. Okay friends, ये क्या है, if y is even, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था, if x is even. So friends, इसी में second condition देख लेते हैं, जैसे हमारा y is equal to x minus 1 था, जब हमारा y is equal to x plus 1 होगा, so if इसमें उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, if x is even and y is odd, so what we will get, y minus 1 is equal to x, और f inverse of x क्या मिलेगा हमें, will be equal to x minus 1 if x is odd. Okay, so f inverse x क्या होगा, complete अगर हम लिखना चाहें, it will be like x minus 1, जो हमारी पहली condition थी, क्या होगी उसमें, if x is odd, you can see from here, और x plus 1 कब होगा, second condition, first condition, x plus 1, if x is even. अब देख सकते हैं यहाँ, so where x belongs to w which is whole number, आप जैसा देख सकते हैं हमारा f inverse जो ये आया, हमारा f inverse of x, और जो हमारा given question है f x, that is same, that from here you can match it, so what we can say, so f inverse is equal to f which is the required answer. चलिए friends, question number 3 देख लेते हैं. Question number 3 में पूछा है, so that f maps n to n given by fx, x plus 1 and x minus 1, जहाँ पे if x पहली condition में x odd है, दूसरी condition में x even है, is both 1 to 1 and on to proof करना है. चलिए देख लेते हैं इसका solution क्या होगा. Suppose f of x1 is equal to f of x2, जहाँ पे आप देख सकते हैं x1 is odd and x2 is even, यहाँ पे हमें ये नोट करने वाली चीज़ है. So we will have, what we will have, x plus 1 equal to x2 minus 1, it's x1 actually, x1 plus 1 is equal to x2 minus 1 from the given quotient. So what we will get, we will get x1 minus x2 is equal to 2, which is impossible. इसी तरीके से जब हमारा x1 even होगा और x2 odd होगा, तो भी हमारा ये condition rule out हो जाएगा for the similar argument. So both, इससे हमें क्या conclude होता है, either both should be, x1 and x2 should be even or odd. तो हम उस केस में दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं और देखते हैं वन टू वन है कि नहीं. सो सबसे पहला कंडीशन देख लेते हैं. पहला कंडीशन क्या होगा, जब x1 एंड x2 आर ऑड, व्हेन, फर्स्ट कंडीशन,
when both x1 and x2 are odd, then f of x1 is equal to f of x2. X1 plus 1 is equal to x2 plus 1, or x1 is equal to x2. उसी तरीके से सेकंड कंडीशन देख लेते हैं. When x1 even x1 and x2, ये सेकंड कंडीशन है, ये हमारी पहली कंडीशन थी, आर इवन, तो क्या हो सकता है, f of x1 सेम करेंगे हम जैसे कि हमने ऑड में किया था, x2 x1 माइनस 1 हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, इवन में होगा, एंड x2 माइनस 1, सो x1 इज इक्वल टू x2, जो कि हमारी 1 टू 1 की कंडीशन को फुलफिल करती है. फ्रॉम दिस टू पॉइंट वी कैन सी, सो दस f1 इज 1 टू 1. उसी तरीके से चलिए फ्रेंड्स का ऑन टू देख लेते हैं, ये है कि नहीं. सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट इन एन. क्वेश्चन में एन दिया हुआ है, जैसे कि if x is odd then there exists an even number x plus 1, question mein given hai, belongs to n, such that f of x plus 1 kya ho jayega fir, it will be x plus 1 minus of 1 which is equal to x. Usi tarike se we can say if x is even then there exists an odd number such as x minus 1 belongs to n, such that f of x minus 1 is equal to x minus 1 plus 1 which is equal to x. So इन दो कंडीशन से हम देख सकते हैं कि इट इज ऑन टू. सो वी कैन से f ऑफ x इज 1 टू 1 एंड ऑन टू ऑल्सो, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर. सो फ्रेंड्स आज हमने कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के फंक्शन टॉपिक के 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फंक्शन डिस्कस करेंगे. सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल and please download our app Directional Academy from Google Play Store for more important questions. Till then, thank you.